स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। देखिए 2021 के बाद से इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया है। 2021 से पहले क्या होता था, एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, उसी दिन PFT होता था। एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद रिजल्ट आ जाता था 1 घंटे के बाद, और उसके बाद डायरेक्ट PFT हो जाता था, यानी PFT और एग्ज़ाम उसी दिन होता था। 2021 में दो एग्ज़ाम हो गए, पहला और सेकेंड, और 2022 में अभी एक हो गया। ये तीनों क्या है, ऑनलाइन हो, आगे भी क्या होगी ऑनलाइन हो गए। अब हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को कैसे क्लियर करें। अगर आपके पास 3 से 4 मंथ का टाइम है तो कैसे प्रिपरेशन करें ताकि इजीली आप इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो क्रैक करने का मतलब ये है नहीं है कि फाइनल मेरिट तक जाना, वो बढ़िया रहता है क्रैक करें। तो इसका मतलब एक बार क्लियर, एक बार ही मेहनत करें ताकि वो फाइनल कट ऑफ तक पार कर जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नाविक GD और DB के बारे में। देखिए GD का जो एग्ज़ाम होता है, GD का देते हैं तो हमें DB का भी देना पड़ता है और GD का भी, दोनों का देना पड़ता है। ये दोनों क्लियर हो जाते हैं, मतलब GD का देंगे तो DB का भी देना पड़ेगा और GD का भी, दोनों एग्ज़ाम और एक ही दिन होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ फ्रेशर होते हैं जो उनको पता नहीं होता है कि एक ही दिन होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये दोनों एग्ज़ाम है वो एक ही दिन होते हैं, ये भी रहता है दोनों के बीच में 1 से 2 मिनट के बाद। ये जस्ट सबसे पहले ये होता है, जब आप एंट्री करोगे रूम में तो सबसे पहले आपके पास DB का एग्ज़ाम वो पेपर खुलेगा। DB का खुलने के बाद ये क्या करेगी, 5 सब्जेक्ट आएंगी, DB में 5 सब्जेक्ट आ गई। उसके 1-2 मिनट बाद ये जैसे ही सबमिट होगा, इसके ये बाद इसके बाद GD का आ जाएगा। अब हम बात करेंगे GD में क्या सब्जेक्ट आते हैं, DB में क्या सब्जेक्ट आते हैं, इनके लिए कौन सी बुक बढ़िया रहती है और कौन सा मतलब प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो किस बुक से करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। देखिए टोटल जो GD का ये है, ये 50 नंबर का होता है, ये होता है 50 नंबर का और ये होता है 60 नंबर का। अगर GD के बारे में बात करें तो ये होता है 110 नंबर का। ये किसका, GD का, नाविक GD का। अगर आप अकेला जैसे आप फॉर्म फिल करोगे तो पास या 3 ऑप्शन आए, एक GD का, DB का और यांत्रिक का। यांत्रिक के लिए डिप्लोमा की आवश्यकता होती है, DB 10th वाले दे सकते हैं और GD 12th वाले, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री PCM वाले ये दे सकते हैं। अब अगर DB 60 नंबरों का आएगा और GD का आएगा 50 नंबरों का, GD में क्या आते हैं, फिजिक्स आती है। देखिए फिजिक्स 25 क्वेश्चन आते हैं। इस बार जो फिजिक्स का लेवल था वो बढ़िया था, 2022 के एग्ज़ाम में मतलब इजी लेवल रहा था, ज़्यादा टफ नहीं रहा था। 2021 में बहुत ज़्यादा IIT लेवल की फिजिक्स आई थी, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा नहीं थी, इजी ही थी कुल मिलाकर। मतलब यहाँ से 20 क्वेश्चन आराम से टच कर सकते, इतनी मतलब बढ़िया थी फिजिक्स। अब हम बात करें फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के भी कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन। मैथ भी बढ़िया थी इस बार। इस बार क्या हुआ कि ये GD का लेवल है वो आसान कर दिया, लेकिन ये मैथ वाला, इस DB का मैथ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया था। यहाँ से 10+ करना भी मैथ में बहुत मुश्किल हो रहा था इस बार 2022 के एग्ज़ाम में। और 2021 में क्या क्या कॉम्बिनेशन था, ये दोनों है ना, ये दोनों बहुत हार्ड थे, IIT लेवल के क्वेश्चन तक आ रहे थे। अब हम बात करते हैं इनको कैसे क्लियर। देखिए फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं। अब 25 क्वेश्चन है हमारे पास, अभी चल रहा है मई, चल रहा है अभी जून, पूरा जून पड़ा है, जून जुलाई अगस्त जून आ गया, यानी 6ठा महीना, 7वां महीना, 8वां महीना। सितंबर में एग्ज़ाम होता है, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अगस्त जून जुलाई अगस्त और सितंबर में एंड सितंबर के लगभग एग्ज़ाम होगा। अभी जो इसका नोटिफिकेशन है वो 15 जून के आर बार आ जाएगा, 15 जून के बाद आने की संभावना पूरी है और जुलाई में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास 4 मंथ का टाइम है मिनिमम, मान के चले तो 4 मंथ का, और 3 का तो फुल 3 मंथ तो आराम से निकाल सकते हैं इनमें से। अगर बीच में रेस्ट करवो तो भी हम 3 मंथ टाइम निकाल सकते हैं। अभी क्या करें फिजिक्स के लिए, मैं आपको बताऊं कि 25 क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट है इसमें, चैप्टर बहुत ज़्यादा है, 11th का भी है, 12th का भी है, इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना मतलब एक बार टफ लगेगा आपको। जब शुरुआत करोगे तो बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, जैसे दोबारा करोगे जब तीसरी बार रिवाइजन करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को साथ करते चले, कॉन्सेप्ट करोगे उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे। देखिए कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर करना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मतलब फाइनल मेरिट तक जाना तब बात बनती है। फिजिक्स के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट 11th और 12th के दोनों को सबसे पहले हो सके तो आप अपने
मतलब हैंड हाथों से नोट्स बनाए उसको, वो सबसे बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से। देखिए फिजिक्स के मैंने किस प्रकार से नोट्स बनाए, ये है फिजिक्स के, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि विद्युत जैसे की पॉइंट है, मैंने की पॉइंट तो मैंने बाहर लिख लिए ताकि जब भी देखूँ तो मैं की पॉइंट यहाँ पर देख रहे होंगे। पृष्ठ नाव लेमडा ई बराबर अपन सताइस अपन रूट बैंक स्टोन वी डी बराबर वी डी क्लू अपन एक अपरोला ई वी टो बटा मिल आवेग समय प्रेम की विमा बराबर होती है, विवर्तन की शर्त होगी जी की विमा होगी, ये की पॉइंट है ना आप बाहर लिख रहे ताकि जब भी देखें एक बार रिविजन हो जाए। देखिए एक प्रकाश वर्ष वार्षिक हो गया, ये टोटल है फिजिक्स का, ये इसमें कम्प्लीट नहीं हुआ है, ये एक और अलग रजिस्टर है इसका, मतलब अभी ये कम्प्लीट नहीं है। जैसे म्यू बराबर वी डी अपॉन ई हो गया, तो यहाँ से जो पहला दे रखा है चैप्टर, पहला यूनिट का दे रखा है, यूनिट का दे रखा है, ये यूनिट का इस प्रकार से मैंने इलेवंथ और ट्वेल्थ के वर्क एनर्जी पावर हो गया। दूसरा कौन सा होगा वो आ जाएगा काइनेटिक काइनेमेटिक्स आ गया। तो इस प्रकार से मैंने ये इलेवंथ और ट्वेल्थ के सर्कुलर मोशन आ गया, इलेवंथ और ट्वेल्थ की इस प्रकार से नोट्स में, ये सिंपल पेंडुलम, ये असचम वाला चैप्टर आ गया, असचम वाला आ गया, उसमें गति के नियम आ गया, यहाँ से आगे ये ट्वेल्थ का स्टार्ट हो जाएगा, आगे ये बायो सॉल्ट का नियम आ गया, आर्किमिडीज वाला आ गया, जूरिन लॉ हो गया, ये आपको दिखाई दे रहे होगी टोटल है ना, ये फुल है, उसमें नोट्स बनाए हुए हैं, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में क्या लिखा, लास्ट में इस प्रकार से अगर हो सके तो आप फॉर्मूले लिख दे, ताकि अगर आपके पास लास्ट टाइम में यही होता है अपना हथियार एक, कि लास्ट टाइम में अपने फॉर्मूलों का रिविजन कर दे, जैसे गुलाम का नियम सारे फॉर्मूले इलेवंथ और ट्वेल्थ के आ गए, तो लास्ट टाइम क्या करें कि एग्जाम के जब दो दिन बचे तो ये फॉर्मूलों को रिवाइज कर लें। ये है, ये फिजिक्स का है टोटल, ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का है, एक इसमें तीन से चार चैप्टर रह गए थे वो इसमें कवर किए, इसमें कॉन्सेप्ट ट्वेल्थ वाले ज़्यादातर उसमें दिखाएंगे आपको। इसमें रे ऑप्टिक्स आ गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रे ऑप्टिक्स आ गया और पी एन संधि वाला इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, पी एन संधि बताता है सुधी पी एन जंक्शन वाला हाफ लाइफ, ये सभी है, इसमें भी क्या है तो टोटल नोट्स है। यानी सबसे पहले आप मेरे अकॉर्डिंग अगर सही तरीके से एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले फिजिक्स के नोट्स बनाइए। अब आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बेस्ट बुक है वो ल्यूसेंट की रहती है, ल्यूसेंट की प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग, ल्यूसेंट कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ल्यूसेंट में अच्छी तरह से दिया गया है फिजिक्स के, मतलब एक हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो, ज़्यादा गलती नहीं है, हाँ न्यूमेरिकल आप छोड़ सकते हो, बड़े वाले न्यूमेरिकल छोड़ सकते हो, लेकिन छोटे छोटे न्यूमेरिकल उनको साथ में आपको अपने हिसाब से देख लेना कि ये किस प्रकार का न्यूमेरिकल है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई बात फिजिक्स की, इसकी हो गई मैथ्स की। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि मैथ्स और फिजिक्स में दोनों में टाइम टोटल क्वेश्चन कितने हैं 50 है, लेकिन टाइम कितना मिलता है 30 मिनट का टाइम मिलता है, ओनली 30 मिनट का टाइम मिलता है दोनों में। तो आप सोच सकते हो स्पीड कितनी मेंटेन करनी होगी, अगर ये 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस करने हैं तो स्पीड को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होगा। अगर आपने 50 में से 35 30 से 35 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत इनफ है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब हम बात करते हैं मैथ्स के, 25 क्वेश्चन आते हैं, लेवल इस बार 2022 में इजी रहा था, इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा इजी भी नहीं रहता, इजी टू मॉडरेट लेवल रहा था, लेकिन 2021 में लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहा था, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इनको मैथ्स को कैसे कवर करें, देखिए मैथ्स में भी कॉन्सेप्ट आते हैं इलेवंथ और ट्वेल्थ के आगे, इस सबसे पहले ही आपको क्या करना होगा, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम किसी के लगा नहीं सकते, सबसे पहले हमको करना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कहीं से भी करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें तो वो अच्छा रहेगा। अब मेरे अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक रहती है प्रैक्टिस के लिए NDE की RS अग्रवाल है। देखिए लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है कोस्ट कार्ड का, आपको पता ही होगा, मतलब इस बार तो कुछ ठीक ठाक था वरना हाई रहता है, लेकिन ये है NDE के लिए है, लेकिन ये टोटल इंग्लिश में है मेरे अकॉर्डिंग, इसी में से प्रैक्टिस ल्यूसेंट में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, अगर आप ल्यूसेंट से करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे रखे। ये यहाँ पर से आपको टॉपिक वाइज इसमें क्या है, इसका एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, 400 से 500 क्वेश्चन तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के दे रखे हैं। ये टोटल है, टोटल बुक इंग्लिश में ही है। तो सब और एक और मज़े की बात यह है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे दिए गए। अब बात करते हैं नोट्स की, कि नोट्स देखिए नोट्स अभी टाइम है 4 मंथ का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 मंथ में नोट्स बन जाएंगे, उसके बाद क्या करना है रिवाइजिंग करना है,
सबसे पहले देखिए नोट्स, इसमें देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बनाई है, ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स स्टार्ट किए, यहाँ से दिख रहा होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला कोसाइन साइन रूल वाला कोसाइन रूल दे रखा है। यहाँ पर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में ये इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन के बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद सेट आ गया। ये एक और एक ये रजिस्टर, दो रजिस्टर। इसमें भी मैंने फिजिक्स की तरह क्या की पॉइंट बाहर लिखे हैं ताकि जब भी एक बार देखूं तो याद हो जाए। ये देखिए यहाँ पर की पॉइंट है मैंने बाहर लिखे हैं ताकि एक जब भी एक बार देखूं तो याद हो जाए। इसमें भी क्या है टोटल नोट्स है, यानी एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए आप इसको होश के, तो मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स और मैथ्स के दो से ढाई मंथ में अगर आप फर्स्ट बनाओगे तो देखिए दो से ढाई मंथ के बीच में टाइम लगेगा इतना तो, और लेकिन नोट्स बन जाएंगे प्रॉपर। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, टाइम नहीं ज़्यादा नहीं लगेगा, एक बार टाइम लगेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज किया उसके बाद जस्ट प्रैक्टिस हो गया। ये हो गया हमारे पास नाविक जीडी का जो आता है फिजिक्स और मैथ्स का। फिजिक्स का मैंने बता दिया, मैथ्स का मैंने बता दिया। फिजिक्स के लिए ल्यूसेंट बढ़िया वो दे रहती है, आर एस अग्रवाल, इसके लिए मैथ्स के रहती है। अब हम बात करेंगे डीपी के बारे में, 50 नंबर तक की बात कर ली, अब हम बात करेंगे 60 नंबरों के बारे में। मैथ्स, मैथ्स आता है 20 क्वेश्चन। मैथ्स कौन सा आता है, अर्थमेटिक वाला, एडवांस मैथ, दोनों मैथ आते हैं, अर्थमेटिक भी आता है, एडवांस मैथ भी आता है, ठीक है। अब मैथ्स के बारे में, मैथ्स क्या था, 20 क्वेश्चन। इस बार इनका जो लेवल था वो मतलब हार्ड था थोड़ा ज़्यादा, मतलब पिछली बार से बहुत ज़्यादा हार्ड था, पिछली बार से तो बहुत ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि इस बार इसमें लेवल हार्ड नहीं किया, इसमें लेवल हार्ड कर दिया, तो इसके आते हैं 20 क्वेश्चन। अब इन 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्पीड भी चाहिए और मतलब एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। लव्स 20 में से कम आपका टारगेट 17+ का तो होना ही चाहिए। ये अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहले देखिए अगर आपने 12th वाले हैं तो BCM से किया है, तो अगर आपके पास जो देखिए जो 12th करते हैं ना, अभी जस्ट 12th किया है, जैसे किसी ने किया है साल दो साल हो गए लेकिन अर्थमेटिक नहीं पढ़ा, तो क्या करेगा ना, जीडी का फॉर्म फिल करेगा, जीडी का फॉर्म फिल ये क्वेश्चन तो कर लेगा लेकिन ये मैथ वाले नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको इसके इस पर भी पूरा दबाव डालना पड़ेगा, मतलब दबाव काफ़ी हो जाएगा अगर आप तैयारी करोगे, 4 मंथ भी कम पड़ जाएंगे। तेरे को मैथ्स के लिए क्या हो गया, 20 क्वेश्चन हो गए मैथ्स के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट तैयार है तो बहुत बढ़िया बात है, तैयार नहीं है तो इसके पास कॉन्सेप्ट एक अलग से रफ कॉपी में लिख सकते हो। मैंने जैसे मैंने किस प्रकार से किया, मैंने जो किया है और रफ को ही फेर बना लिया ताकि स्पीड भी बढ़ जाए और नोट्स के नोट्स बन जाए। देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यह फेयर है, मैंने रफ को ही नोट्स बना लिया ताकि क्या हो टाइम भी बच जाए और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। ये मैंने इसको यहाँ पर मैंने नोट्स बना लिया और इसी में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मतलब एक दो जैसे कॉन्सेप्ट हो गया उसके एक दो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हो गया एक दो क्वेश्चन है, ये यहाँ पर देख रहे हो गया, वो परफेक्ट नंबर हो गया, यूनिट डिजिट निकालना हो गया, ये है और एक दो रजिस्टर, ये मैंने दो रजिस्टर में रफ में ही फिर काम कर लिया, मतलब टाइम भी बच गया अपना और साथ में प्रैक्टिस भी हो गई। अब इसके लिए क्या चीज़ आती है कि भैया नोट्स तो हो गई, अभी प्रैक्टिस किस बुक से करें, तो प्रैक्टिस के लिए मेरे अकॉर्डिंग आर के एस मथुरिया ही है, ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने जिस बुक से किया है वो इसी बुक से किया है। इसमें कुछ नहीं है, हर एक टॉपिक के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्या कोस्ट गार्ड के लेवल का ही है, कोस्ट गार्ड से ना कम है, कोस्ट गार्ड से ना ज़्यादा है, तो मेरे अकॉर्डिंग यही बुक है जो बढ़िया रहती है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आप आराम से कवर कर लोगे, अगर आप 12th में PCMC हो तो आराम से कवर हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ खास नहीं है। अब हम बात करते हैं साइंस के बारे में। देखिए साइंस का, साइंस में क्या आती है, फिजिक्स आती है, अगर आप 12th में फिजिक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर फिजिक्स। अब आते थे केमिस्ट्री और बायो की, देखिए केमिस्ट्री और बायो के अभी आप देखिए अभी 4 मंथ का टाइम है, अगर एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आप साइंस को स्टार्ट करना, कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री और बायो के जो बेसिक फॉर्मूले हैं ना, केमिस्ट्री के जैसे बेसिक फॉर्मूले हो गया NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, इनको फॉर्मूलों को रिवाइज करना, pH हो गया, pH स्केल का मान क्षार हो गया, जैसे कुछ रिएक्शन हो गई तो उनको रिवाइज करना लास्ट 1 मंथ में, जैसे सितंबर में अभी एग्ज़ाम होगा तो अगस्त से स्टार्ट कर देना, आप अगस्त से स्टार्ट कर देना,
अगस्त या सितंबर, अगस्त अगर मिड अगस्त करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मिड अगस्त से स्टार्ट कर देना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आधी घंटा दे देना इस साइंस को, मतलब केमिस्ट्री के भी बायो के भी दो चीज़। फिजिक्स तो अपने आप क्लियर होती रहेगी, ये क्यों सुनाया जाए, जैसे काइनेटिक एनर्जी का अपन फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल आ गया, मतलब ये ज़्यादा ईजी रहता है, इतना हार्ड नहीं रहता फिजिक्स का तो साइंस में। अब केमिस्ट्री और बायो के बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ लेना एक 1.5 महीने पहले। अब बात करते हैं 10 नंबर, 10 क्वेश्चन यहाँ से आते, 20 क्वेश्चन यहाँ से आते। अब बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश के आते हैं टोटल 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर इंग्लिश अभी क्या स्टार्ट करना है, जैसे आप अगर जून से स्टार्ट करो, मान लो आप 1 जून से स्टार्ट करते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश में सबसे पहले आपको वो कैब से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कैब का क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम टच हो जाते हैं, सिनोनिम एंटोनियम हो गया, और उसमें वन वर्ड वो तो अलग से आ गए, 4 से 5 क्वेश्चन, और 7 से 8 नंबर कैसे कवर करेंगे, वो गेम में कवर करोगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कवर करोगे, स्पेलिंग मिस्टेक में कवर करोगे। ये है जो 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश के 7 से 8 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे सुनना, वो केबलरी सिनोनियम एंटोनियम होगा, वन वर्ड हो गया, स्पेल्ड मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग में जो मिस्टेक हो गई वो हो गया, ठीक है। ये आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अब इसके लिए क्या चीज़ बढ़िया रहती है, इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग जो बढ़िया रहेगा, मैं वो कैब के लिए बताता हूँ। वो कैब में अभी आप स्टार्ट कर देना, 1 जून से लगभग स्टार्ट करना, तो सुबह लगभग कम से कम आधी घंटा या 30 मिनट का टाइम अभी से स्टार्ट करो, वो कैब ले आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। मैंने कैसे किया मैं अभी आपको बताता हूँ। ये रजिस्टर हो गया, ये मैंने टोटल वोकेबलरी का फिल किया, जैसे यहाँ पर इसमें टोटल वोकेबलरी है, दिखाई दे रहा है 10 से 15 वर्ड नए लिख लेता हूँ, 10 से 15 वर्ड, 1, 3 से 4 सिनोनिम एंटोनियम, और 4 से 5 एंड वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, मिस स्पेल्ड हो गया, यहाँ पर इसमें किया है। एक और रजिस्टर है, ये भी वोकेब का है, ये इसमें भी टोटल क्या है, वोकेबलरी है, इसमें भी क्या टोटल वोकेबलरी है। देखिए वोकेबलरी के मैंने समझने के लिए इस प्रकार से कुछ डायग्राम भी याद किए, देखिए याद करने के सबका तरीका अलग अलग होता है, मैंने इसको डायग्राम से इमेज बना बना कर यहाँ पर याद कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा दिन के लिए जाने ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है। यहाँ पर क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, ब्रोक डाउन हो गया, किंग ऑफ मेटल्स हो गया, ये फ्रेजल वर्ब हुआ, ये टोटल रजिस्टर किसका है, वोकेबलरी का है। ये मैंने कहाँ से कवर किया ये भी मैं अभी बताता हूँ। एक और रजिस्टर, 3 रजिस्टर मैंने वोकेबलरी के किया, मतलब सुबह सुबह क्या करता हूँ, जब भी आधे से पौने घंटा इनको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ तो मतलब याद हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये 2 रजिस्टर ये अलग से हो गए, ये 3रा रजिस्टर है, ये दीक्षा मैम ने कराए थे एक बार, वोकेबलरी चीज़ वो मैंने 25 कराई थी, उन्होंने 25 वो मैंने किए यहाँ से। इसमें देखिए सबसे पहले जो वोकेबलरी चीज होगी यहाँ से स्टार्ट है, वेरासिटी इंक्लेमेंट हो गया, इसमें टोटल मैंने 25 वो सीरीज किया, 25 है यहाँ, जैसे ये स्पेलिंग हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक में आ गया, और यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, वन वो लव्स मैनकाइंड फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, ठीक है। ये दीक्षा में हमने कराए थे, वहाँ से मैंने किए हैं। ये होगी वोकेबलरी सीरीज, वोकेबलरी के लिए। अब बात आती है कि 7 से 8 नंबर हो गए, बाकी बच के 7 से 8 जो भी 15 में से 15। अब ये तो आ गया 7 से 8, ये 15 बाकी एरर में आ गया, और बाकी क्या 10 से संबंधित आ गया, बाकी उसके लिए आपको अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ने हो गए, उसके लिए आपको देख लेना एक बार प्रीवियस पेपर उठाकर, या फिर ICG की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो नाविक GD के लिए वहाँ पर अप्लाई करोगे तो साइड में एक मॉक टेस्ट नाम का लिखा हुआ आएगा, तो वहाँ पर मॉक टेस्ट लगा कर दे सकते हो आप इंग्लिश का लेवल क्या रहता है। अब बात करते हैं GK, देखिए इंग्लिश आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी अगर अच्छा स्कोर करना, कि 15 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके इंग्लिश टाइम भी मांगती है, थोड़ा कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी तब जाकर अच्छा होगा कुछ। GK के लिए बात करते हैं, GK के मैं यही बनाऊंगा 1 मंथ का टाइम, अगर आपका जैसे 25 सितंबर को एग्जाम है तो 1 सितंबर से आप GK स्टार्ट करिए, उससे पहले मत कीजिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी और बाकी टाइम कहाँ लगाना है, उससे पहले बाकी टाइम इन चीज़ में लगाना है, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ये मैथ हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगी इंग्लिश होगी, इन चीज़ों में अभी आप जितना टाइम दोगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट है। वहाँ पर साइंस और GK को आप लास्ट से स्टार्ट कर देना, ठीक है, मिड अगस्त से
स्थानीय स्कूल स्टार्ट करना और जीके को 1 सितंबर से, जैसे 25 से 30 सितंबर के बीच में एग्जाम है, तो 1 सितंबर से आपको जीके का सेशन स्टार्ट करना है। 5 क्वेश्चन बेसिक है, वो भी अलग से मैं आपको हो सकता है बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट बच गया अपने रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, तो देख लेता हूँ यार वीडियो चल रहा है क्या नहीं। हाँ चल रहा है अभी। तो रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, रीजनिंग के बारे में बात करें, रीजनिंग के आते हैं 10 क्वेश्चन, ये आते हैं बेसिक, मतलब बेसिक 1-2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा से हार्ड हो सकता है, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन है वो इजी आएंगे। अभी इनके लिए क्या करें, इनके लिए भैया अभी से स्टार्ट कर दो थोड़ा बहुत बेसिक, जो ये नहीं है अभी 3 से 4 घंटा रीजनिंग को देने वाले को, नहीं ऐसा नहीं करना, जो 3 से 4 घंटा देना है तो इनको देना, फिजिक्स और मैथ्स को, इस मैथ्स को इनको देना। अभी इनको इतना ज़्यादा बेसिक से, मतलब जैसे 30 मिनट हो गया, आधे घंटा या 1 घंटा इसको रीजनिंग को दे दिया, कॉन्सेप्ट के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट दे देना थोड़ा बहुत बेसिक है, ज़्यादा यार इतना तो इतना हार्ड नहीं है कि रीजनिंग की आपको बिल्कुल भी ना आए, तो रीजनिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट दे देना, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा देना। तो अगर आप मतलब दिन में 15 से 20 क्वेश्चन लगाओ तो ये बुक रीजनिंग की मेरे अकॉर्डिंग इस बढ़िया है, इसमें गलतियां भी नहीं है, दिखाई दे रहा है क्या, इसमें गलतियां भी नहीं है। माथुरिया की ये बुक है। अब ये हमने डिस्कस कर लिया कि नाविक जीडी और डीबी, जीडी के किस प्रकार से क्लियर करें, कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एक चीज और बताता हूँ, जैसे अभी आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हो तो एक काम करना, अगर आप जहाँ पढ़ते हो स्टडी टेबल हो गया, स्टडी टेबल जस्ट ऊपर आप क्या करना, देखिए फिजिक्स का आपको पता है बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, मैथ्स के भी बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, इनको एक ये तो है नहीं एक महीने में पढ़ा और याद हो गया, तो इनको हमें परमानेंट करने के लिए एक अलग से बना लेना, चार्ट बना लेना, उस पर फॉर्मूले लिख लेना, जब भी आप सुबह शाम जब भी आप देखो तो एक बार नज़रों से निकाल लेना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। मैं दिखाता हूँ कैसे, ये देखिए ये मैंने अलग से फॉर्मूले फॉर्मूले लिख लिए हैं, किस प्रकार से यहाँ पर मैथ्स के फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, मैथ्स के ये टोटल मैथ्स का हो गया, ये मैट्रिक्स से, ये भी टोटल मैट्रिक्स से, जैसे साइन 18 का वैल्यू हमें डायरेक्ट याद रखनी होगी, क्योंकि निकालेंगे तो इतना हमें टाइम नहीं होता निकालने, साइन 18 हो गया, पी पे दोगे ये कुल, क्यू पे दोगे ये कुल, ये कुछ चीज़ें होती है जो डायरेक्ट याद रखनी होती है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से हो गया, और ये भी ट्रिग्नोमेट्री से हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे जो फॉर्मूले होते हैं वो याद नहीं रहते, इतना इजी नहीं होता कि इनको एक बार पढ़ी और याद हो, जब हम बार बार पढ़ते हैं तब जाकर याद होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर से हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ये वेक्टर से हो गया, वेक्टर 3D से हो गया, ये बाइनोमियल थ्योरम वाला आ गया, ये भी बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम में अच्छे क्वेश्चन मान दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, जैसे 10 75 की वैल्यू कोट 75 के बराबर होती है, कितने होते हैं 2 - √3। अगर इस प्रकार से आप लिख कर याद करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा मेरे को भी। बाकी देखिए आपका लक्ष्य है, आपकी मर्जी है, आप जैसा करोगे वैसा करोगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैंने जो भी मेरे अकॉर्डिंग अच्छा लगा वो मैंने आपको बता दिया, बेस्ट बुक कौन सी रहती है, कौन सी रहती है मैंने जो बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि यही बेस्ट है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने मेरे अकॉर्डिंग बताया ये कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से आपको 3 से 4 महीनों के बीच में मेहनत करनी चाहिए ताकि आपका रिजल्ट है वो शॉर्ट लिस्ट होकर ही आए, आप फेज़ 1 के लिए भी, फेज़ 2 के लिए भी, फेज़ 3 के लिए भी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।